हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग दिल्ली प्राइज आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। आज की स्टूडियो में हम एक राइजन का पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में देने वाले हैं। राइजन सीरीज है, साथ में हमारे पास दो तीन ऑप्शन है मदरबोर्ड्स के, और प्रोसेसर भी हमारे पास क्वांटिटी में पड़े हैं। आपको बताते हैं पूरा पैकेज कितने तक का मिल सकता है आपको और इसकी क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है। बहुत ही अच्छा पैकेज देने वाले हैं, जो प्राइस मैं आपको हमेशा देता हूँ उससे थोड़ी सी कम प्राइस आपको देने वाले हैं, और इंशाल्लाह आपको तकरीबन 4 से 5 हज़ार तक का मजीद डिस्काउंट मिलेगा इस बिल्ड के अंदर। राइजन की ये बिल्ड है, आपको बताते हैं प्रोसेसर कौन सा, हार्ड कौन से यूज़ कर रहे हैं, रैम कितनी है, पावर सप्लाई कितने वाट है, ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं और ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैसे रहेगा, एडिटिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, मूवी मिक्सिंग के लिए और गेमिंग के लिए, ये कैसी परफॉर्मेंस देने वाला आपको, सब कुछ आपको स्टूडियो में बताते हैं। वीडियो पॉइंट तक लाजमी देखें, और अगर आपको रेट अच्छा लगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप रबा करके बाय कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है और आपको बहुत ही अच्छा रेट देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हम जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो है राइजन 5 2600, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, और इसकी मार्केट प्राइस 22,000 से 23,000 चल रही है। लेकिन ये प्रोसेसर हम आपको पहले 20,000 का दे रहे थे, अब आपको ये बहुत ही अच्छी प्राइस में देने वाले हैं। प्राइस में बाद में बताता हूँ आपको। राइजन 5 2600 के बाद हम इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। एक मिनट, हाँ दिखा यार ना, रुक जाए एक मिनट। इसके बाद हम इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो दो मॉडल्स हमारे पास हैं, 1,000 का फ़र्क है दोनों मॉडल्स में। सबसे पहले देखते हैं, दिखाते हैं आपको, ये हमारे पास B450 का मदरबोर्ड, आप चेक कर सकते हैं, B450 MK ASUS का मदरबोर्ड है और बिल्कुल न्यू पिन पैक मदरबोर्ड आप इसे कह सकते हैं। इसके आप इसके अंदर पोर्ट चेक करें, 2.0 3.0 HDMI DVI केबल इसके अंदर अवेलेबल हैं, 2 RAM bank slot इसके अंदर 32 GB के आप 2 RAM लगा सकते हैं, 3200 MHz वाली। फ्रंट चेक कर लें, पोर्ट चेक कर लें इसकी, इसके अलावा आप इसकी बैक साइड चेक कर सकते हैं, बेहतरीन कंडीशन में। मार्केट प्राइस इसकी 24 से 25 हज़ार है इस मदरबोर्ड की, इसकी प्राइस भी आपको बहुत अच्छी देंगे। इसके अलावा इससे थोड़ा सा अच्छा हमारे पास पड़ा है ASUS प्राइम में, हमारे पास A520 मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, ये इससे 1,000 कॉस्टली है ये वाला मदरबोर्ड। इसकी भी फ्रंट साइड आप चेक कर लें सारी, M.2 का ऑप्शन भी है, NVMe का ऑप्शन भी है, और बाकी आप इसकी पोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप 2 RAM लगा सकते हैं, 32 GB के 2 RAM लगा सकते हैं, 3200 MHz तक ये आपकी रैम सपोर्ट करता है। और आप इसकी कंडीशन देख लें, लुक देख लें, बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिलने वाला है जी, ठीक है जी। इसके बाद अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम जो SSD यूज़ करने वाले, वो 1 TB SSD है, कोई भी ब्रांड हो आपको सेम प्राइस में सेम स्पेक के साथ मिल जाएगा, 100% हेल्थ होगी, डब्बा पैक होगा, 1 साल की वारंटी के साथ आपको 128 GB की SSD हमसे मिल जाएगी, जो कि आपको सिंपल हार्ड से तकरीबन 90% ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है। तो जिसने सिर्फ विंडो इंस्टॉल करने के लिए स्पीड अप करनी हो तो वो 1 TB SSD लाजमी ले। 128 GB की SSD हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम जो हार्ड ड्राइव यूज़ करेंगे सिंपल, जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो 500 GB की हार्ड है, 500 GB हार्ड 7200 RPM वाली हार्ड है, बिल्कुल 100% के साथ है, सैमसंग, इटाची, इसके अलावा Seagate या WD कोई भी ब्रांड आप चाहें तो शिबा का, आपको सेम प्राइस में सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मिल जाएगा और बिल्कुल ओरिजिनल 100% हेल्थ होगी उसकी। तो ये हम इसके अंदर 500 GB की हार्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जो रैम यूज़ करें वो हमारे पास Corsair की रैम है, Corsair Vengeance की, ये 16 GB की रैम है, 8 GB की दो भी पड़ी है, 16 GB सिंगल भी पड़ी है, ये 16 GB की रैम DDR4 की रैम है Corsair में, 3200 MHz वाली ओरिजिनल, ये रैम आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में देने वाले हैं। ये पूरा पैकेज आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है ताकि आपको मज़ा आए। इसके बाद इसके अंदर हम स्टोव कूलर यूज़ करेंगे जो कि आपको अच्छी प्राइस में देंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर 500 वाट के सप्लाई यूज़ करेंगे जो कि 80+ वोल्ट में, 6 पिन और 8 पिन दोनों कनेक्टर इसके साथ हैं। और लास्ट में हमारी दो चीज़ें आ गई हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर जो केस यूज़ करेंगे वो डायमंड कट का केस है, फ्रंट इसकी जो सी एस के आगे वो लगा हुआ है आपका मैश लगा, और साइड पे इसके ये आपका देख सकते हैं टेम्पल लगा हुआ है, बैक पे इसके एक फ़ैन लग सकता है, फ्रंट पे इसके 3 फ़ैन लग सकते हैं, ऊपर 2 फ़ैन लग सकते हैं, ये विदाउट फ़ैन हम ऐड करें, इसकी प्राइस इसका एक फ़ैन 1500 रुपये का, जितने फ़ैन भी ऐड करवाने हैं आप इसके अंदर फ़ैन ऐड करवा सकते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम जो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो है जी RX 560 का कार्ड है, ये 4 GB DDR5 128 का कार्ड है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा रहेगा। जो सी हमने बिल्ड बनाई है ये बजट के लिहाज से, आप बजट के लिहाज से बहुत बेहतरीन बिल्ड है और अच्छी बिल्ड हम आपको देने वाले हैं, इसलिए हमने इसके अंदर 4 GB का ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है। अब चलते हैं इनकी प्राइस की तरफ, इनकी प्राइजेस क्या हैं, और लास्ट ऑफ ऑल आपको टोटल बजट बता देते हैं। इसके अंदर हम जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं राइजन 5 2600, इसकी मैंने लास्ट में प्राइस बताई थी 20,000, अभी आपको 19,500 रुपये का ये प्रोसेसर मिल जाएगा, फुल एंड फाइनल बेहतरीन प्राइस में दे रहा हूँ, 22 से 23 हज़ार से नीचे आपको ये प्रोसेसर नहीं मिलेगा। इसके बाद इसके अंदर जो B450 हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम 22,500 का देंगे, 25,000 से नीचे आपको नहीं मिलेगा। और A550 हम इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपको हम 23,500 में देने वाले हैं, वो भी आपको 25,000 तक ही मिलेगा तकरीबन, 1,000 का फ़र्क है। लेकिन मैं इस बिल्ड के साथ जो बजट ऐड कर रहा हूँ वो B450 का ऐड कर रहा हूँ, आप जो भी चाहें ले सकते हैं, 1,000 का फ़र्क है।
इसके बाद 128 GB SSD 3000 रुपये की या 500 GB हार्ड में इसके अंदर 2000 रुपये की ऐड कर रहे हैं और 500 वाट सप्लाई 5000 रुपये की 80+ ब्रॉन्ड में। गेमिंग केस 11500 रुपये का विदाउट फैन। कोर्सेयर की रैम 12000 रुपये की ऐड कर रहे हैं। 13 से 14000 की प्राइस चल रही है इसकी। 3200 MHz में 16 GB रैम। इसके बाद लास्ट में इसके अंदर ग्राफिक कार्ड रह गया है, वो हम इसके अंदर 18000 रुपये का ऐड कर रहे हैं। लास्ट हमने 19500 का सेल आउट किया है, 20000 का भी सेल किया है। अभी तकरीबन 2-4 पीस रह गए, आपको 18000 रुपये भी देने वाली बात कर रहे हैं। और लास्ट में हम इसके अंदर स्टोव कूलर यूज़ कर रहे हैं, वो 2000 रुपये का ऐड करेंगे। तो ये पूरा पैकेज आपका V450MK के साथ ASUS मदरबोर्ड के साथ 95500 बन रहा है, लेकिन हम आपको फिर भी डिस्काउंट करके 95000 में पूरी बिल्ड दे देंगे। अगर आप गेमिंग केस नहीं लेते तो आपका तकरीबन 8-9000 वैसे ही कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको गेमिंग केस चाहिए, पूरा पैकेज चाहिए हमसे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 95000 रुपये में पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको राइजन की पूरी बिल्ड रेडी मिलेगी। गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी, रेंडरिंग करनी, मूवी मिक्सिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोई भी काम आपने करना, स्मूथ चलाएगा आपका, हाई सेटिंग पे अल्ट्रा सेटिंग पे भी वर्किंग करेगा। अपग्रेडेशन में आप इसके अंदर 3600, 3600X, 3700, 3700X, 5600, 5600X, 5600X, 5600X तक आप इसके अंदर प्रोसेसर लगा सकते हैं और इसके अंदर 64 GB तक रैम लगा सकते हैं। मदरबोर्ड यही रहेगा, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। और केस में आप इसके अंदर 8 से 9 फैन लगवा सकते हैं। तो अगर आपको ये प्राइस अच्छी लगी, आप रब्ता करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर चला, रब्ता करके बाय कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है। ऐसी मालूमती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।